नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा जयपुर में 26 से देश भर के पत्रकारों का महाकुंभ। यूपी उत्तराखंड से भी सैकड़ों पत्रकार भाग लेंगे। पत्रकारों की दिशा दशा पर होगा चिंतन, उपमन्यु। मथुरा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से संबद्ध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का राष्ट्रीय महाधिवेशन 26 और 27 अगस्त 2023 को जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित किया जा रहा है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जाट द्वारा इसकी मेजबानी में की जाएगी। देश भर से एकत्रित होने वाले पत्रकारों के इस महाकुंभ सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के जनपदों से वरिष्ठ पत्रकार हिस्सा लेने जयपुर जाएंगे। NUJI के उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट ने आज ब्रज प्रेस क्लब पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, मीडिया काउंसिल और मीडिया कमीशन के गठन की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके अलावा पत्रकारों के उत्पीड़न, तमाम अखबारों और चैनलों में अवैध छंटनी तथा वर्तमान दौर में फेक न्यूज पर भी विशेष चिंतन होगा तथा मीडिया जगत से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा कर आगे आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। श्री उपमन्यु ने कहा कि NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी के नेतृत्व में संगठन मीडिया जगत के सभी मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है और जयपुर में आयोजित अधिवेशन मीडिया जगत के ज्वलंत मुद्दों के समाधान को लेकर नई इबारत लिखेगा। इस सम्मेलन की तैयारी के लिए राजस्थान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जार ने देश भर से आने वाले पत्रकारों के रहने, खाने एवं कार्यक्रम स्थल को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। NUJI नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय राजस्थान की राजधानी जयपुर में निम्न यूनिवर्सिटी है वहाँ आयोजित हो रहा है। इसमें देश भर से विभिन्न राज्यों से पत्रकार यहाँ भाग ले रहे हैं। मैं NUJI का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। इन जनपदों से भी वरिष्ठ बड़ी संख्या में पत्रकार हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम में 25 तारीख से पत्रकारों का 25 अगस्त को पहुंचना शुरू हो जाएगा। 26 और 27 को यह कार्यक्रम विशाल सभागार में आयोजित होगा। इसमें केंद्र के मंत्री और प्रमुख देश की हस्तियां भाग लेंगी। पत्रकार जगत की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की हस्तियां इस पर विचार मंथन करेंगी। पत्रकारों की वर्तमान दौर में दिशा दशा कैसी हो इस पर चिंतन होगा। पत्रकार सुरक्षा कानून बने, पत्रकारों के हित में जो योजनाएं चल रही थी उन्हें पुनः चालू किया जाए, बढ़ाया जाए, जिला स्तर पर मान्यता हो, यातायात की सुविधा हो, पत्रकार के हताहत होने पर उसको सरकारी संस्थानों में सेवा उसके परिवार के सदस्यों को दी जाए, उसकी आर्थिक सहायता और की जाए, इन सब पर विचार होगा, मांग पत्र बनेगा और आगे अगर सरकारें ये सब करने में विफल रहती हैं मांग पत्रों को मानने में तो आगे आंदोलन की कैसे आंदोलन हो इसकी रूपरेखा तैयार होगी और देश भर में एक बृहद आंदोलन पत्रकार अपनी समस्याओं को लेकर के करेंगे। इसमें धरने देंगे, जिला स्तर पर ज्ञापन होंगे और संसद भवन पर प्रदर्शन। यह कार्यक्रम की रूपरेखा जयपुर में जो पत्रकारों का महाकुंभ 25 और 26 अगस्त को और 27 अगस्त को होने जा रहा है इसमें रूपरेखा तय होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष NUJI के श्री रास बिहारी जी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप तिवारी जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह डॉक्टर, यह सब और राजस्थान जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है जिसे हम जार कहते हैं वह इस बृहद कार्यक्रम की मेजबानी में लगी हुई है। वह जार के राजस्थान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी पत्रकारों को कहाँ रहने की व्यवस्था होगी, कहाँ कैसे खाने की होगी, यातायात की व्यवस्था होगी, सारी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। मेरा सभी पत्रकार भाइयों से, वरिष्ठ पत्रकारों से अनुरोध है इस महाकुंभ में शिरकत करें और आगे की पत्रकारों के समस्याओं पर विचार करें और आगे एक रूपरेखा तय करें जिसमें ये NUJI यहाँ जयपुर के अंदर 2 दिवसीय कार्यक्रम में इसकी रूपरेखा तय करेगा। हमें अपनी पत्रकार साथियों को इसमें अधिक से अधिक संख्या में जोड़ना है और इसको कार्यक्रम को बेहद सफल बनाना है। मैं सभी पत्रकारों से अनुरोध करता हूँ
25, 26, 27 को जो जयपुर में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें आप अगर चल सकते हैं तो चलें, और जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे वो बाद में पत्रकारों को सभी को जानकारी।